hello student good morning to all of you today i have come with my ninth lecture video which is related to computer in this class we learn about hardware and software previous class previous class we have completed points चैप्टर इस चैप्टर में हमने इसके पहले क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर पढ़ा हमने उसके बाद अबाउट हार्डवेयर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा कि हार्डवेयर क्या है उसका डिफिनीसन जाना हमने उसके बाद इसी में हम इनपुट डिवाइस पढ़े और उसके बाद इसी चैप्टर में हम आउटपुट डिवाइस पढ़े आउटपुट डिवाइस में हमने स्पीकर मोनिटर प्रिंटर के बारे में पढ़ा उसके बाद हमने स्टोरेज डिवाइसेज में आता है सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क इन सभी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा इस चैप्टर में एक बार हम आपको फिर से बता दें कि यह चैप्टर टू है लेक्चर नंबर नाइन है चैप्टर का नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के द्वारा हमने जाना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बाद हम स्टोरेज डिवाइस तक इस चैप्टर में पढ़े और आज हम इस चैप्टर में पेज नंबर 18 पर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे एटीन से आगे पेज नंबर 18 से आगे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और जो जो हमने पढ़ाया है अभी तक इस चैप्टर में उसमें जो भी फुल फॉर्म है उसको हमने एक जगह लिख दिया है जैसे आपको सी मिला होगा पढ़ाने के क्रम में यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस में सी डी या डी मिला था तो सी का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क सी ओ एम पी ए सी टी कम्पैक्ट डी आई एस सी डिस्क कंपैक्ट डिस्क डी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डी आई जी आई टी एल डिजिटल वी ई आर एस ए टी आई एल ई डी आई एस सी डिस्क डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये डी वी टी का हो गया फिर हमने हमें मिला था मोनिटर जब पढ़ रहे थे तो मिला था वी डी यू तो विज़ुअल डिस्प्ले यूनिट वी आई एस यू ए एल विजुअल डी आई एस पी एल ए वाई डिस्प्ले यू एन आई टी यूनिट फिजुल डिस्प्ले यूनिट वीडियो का फुल फॉर्म हो गया उसके बाद हमें मिला था सी पी यू तो इसका होता है सेंट्रल सी ई एन टी आर ए एल प्रोसेसिंग पी आर ओ सी ई डब्ल एस आई एन जी यूनिट यू एन आई टी उसके बाद हमें मिला था रैम आर ए एम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी स्पेलिंग दिख रहा है आपको आर ए एन डी ओ एम रैंडम ए डबल सी ई डबल एस मेमोरी एम ई एम ओ आर वाई मेमोरी उसके बाद हमें मिला था रोम ये सभी पेज नंबर सेवेंटीन पर ये सब हमें मिला था इसका फुल फॉर्म वहाँ नहीं दिया गया था हमने लिख दिया है आपको आर ओ एम रीड आर फॉर रीड ओ फॉर वनली एम फॉर मेमोरी रीड वनली मेमोरी रीड ओनली मेमोरी तो ये सभी फुल फॉर्म आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है ताकि आप आ, को याद करने में सुविधा रहे और ये हम बताते भी हैं जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो आप आ, अपना पेंसिल नोटबुक ये सब ओपन करके बुक ओपन करके रखो ताकि जो कुछ भी पढ़ाने के क्रम में बताया जाए उसको तुम अपने नोटबुक में नोट कर सको ठीक है अब हम आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट ये, ये सब आपने नोट कर लिया होगा अच्छा से इसको अच्छा से आप एक बार देख लें यहाँ से और उसके बाद आगे हम बढ़ जाएंगे चैप्टर में चैप्टर में हम आज सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर में पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम हम एक बार फिर से आपको रिमाइंड करें कि हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर जो है वह आप जैसे आपका बॉडी पार्ट्स जो है शरीर का जो भाग है पार्ट्स हैं वो सभी हार्डवेयर हैं और जो आपका दिमाग है जो सोचने का काम करता है वो क्या है सॉफ्टवेयर उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में लिखा गया है कि यह जो है सॉफ्टवेयर जो है वह हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है तभी वो कार्य को सिस्टम में करता है दिस कैन नॉट बी ट बट आर स्टोर्ड ओनली ऑन स्टोरेज मीडियम विच कैन बी परफॉर्म्ड एंड एक्सिक्यूटेड टू गेट रिजल्ट यह बिना टच किए लिखा गया है कि दिच कैन नॉट बी टच्ड दिज कैन नॉट बी टच्ड बट आर स्टोर्ड ओनली एंड स्टोरेज मीडियम न बी परफॉर्म एंड एक्सिक्यूटेड टू गेट रिजल्ट इस तरह से यह अपने दिमाग से सोच करके कंप्यूटर जिस तरह हम अपने दिमाग से सोचते हैं उस तरह से यह सोच करके जैसे इंस्ट्रक्शन देता है उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है ठीक है और स्टोरेज सॉरी सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स सिस्टम सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है इसके दो पार्ट्स होते हैं एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है यहाँ पे लिखा है इसमें ज़रा ध्यान देंगे लेडी अदा लेवलेस इज कंसीडर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम ये नाम है इसने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम को इसने फर्स्ट कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इसने दुनिया के पहले कंप्यूटर प्रोग्राम को कंसीडर किया इसके क्या नाम है लेडी अदा लवलेस इसको अंडरलाइन कर लेना ये एग्जाम में इन साइड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आ, अब हो गया ये दो पार्ट हो गए ठीक है उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड सपोर्ट्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस इट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर एंड प्रोवाइड्स प्रोपर इन्वयरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जा रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह प्रोग्राम का कलेक्शन होता है एंड ऑल भी ऑल जितने भी वर्कस होते हैं उसको um, मैनेज करने का ऑपरेट करने का कार्य करता है और यह जो है अलाउस टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर एंड प्रोवाइड्स प्रॉपर इन्वॉर्मेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए जितना भी चीज़ uh, वह के uh, जितना चीज़ के जरूरी है जो चीज़ जरूरी है वह उसको प्रोवाइड करता है और इस तरह से हमारा वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है तो वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका कंप्यूटर आपको वर्क करना है तो वर्क करने से पहले उसमें आपको ये सब चीज़ इंस्टॉल करना पड़ता है किसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन चीज़ होता है एक होता है विंडो लिनक्स ठीक है विंडो सेवेन विंडो एट ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं ठीक है इसके बिना आपका सिस्टम काम नहीं कर सकता है ठीक है दूसरा है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके बारे में हमने बताया आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स लाइक के ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मेड अप ऑफ मेनी मेड अप ऑफ़ मनी कंट्रोल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है ठीक है और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मेड अप ऑफ मेनी कंट्रोल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बहुत सारे कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड होता है ठीक है इसमें आता है हमारा विंडो लिनक्स विंडो सेवेन विंडो एट अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ तो तुम बताओगे विंडो लिनक्स विंडो सेवेन विंडो एट ठीक है ये सभी को इन सभी को आपको कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है उसके बाद हमारा आता है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइंड टू हेल्प द यूजर टू फॉर्म स्पेसिफिक टास्क यह एक तरह का प्रोग्राम है जिसको यूजर के स्पेसिफिक वर्क करने के लिए इसका यूज किया जाता है जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है फिगर में दिख रहा है आपको पेज नंबर नाइनटीन पे सम सम्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देयर फंक्शंस आर गिवेन हियर इसमें कुछ जैसे एग्जांपल दिए गए हैं जैसे पहला वर्ड पैड दिया गया यह जो है क्या है वर्ड पैड है ठीक है जब आप लैब में जाओगे तो तब आपको बताया जाएगा कि ये कैसे ओपन होता है कहाँ से आता है ठीक है अभी आप जानो वर्ड पैड का क्या फंक्शन होता है इट इज़ यूज टू टाइपिंग टेक्स्ट टेक्स्ट टाइपिंग करने में इसका यूज किया जाता है दूसरा है टक्स uh, पेंट क्या है टक्स पेंट इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग इसका यूज हम ड्राइंग uh, करने में और कलर करने में करते हैं जैसा कि बहुत सारा कलर आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली इसका यूज हम ड्राइंग करने में करते हैं उसके बाद आता है हमारा कैलकुलेटर क्या आता है स्टूडेंट कैलकुलेटर कैलकुलेटर को इट इज़ एन अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर कैलकुलेटिंग नंबर्स यह भी एक यह क्या है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका यूज़ हम आ, किसी प्रकार के कैलकुलेशन में करते हैं ठीक है जैसे जोड़ने घटाने आ, या अन्य मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन या डिवीज़न ये सभी वर्क में इसका यूज किया जाता है किसका कैलकुलेटर का ठीक है यह भी क्या है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और उसके बाद है फॉरकास्ट इसका यूज क्या है फॉरकास्ट में इट इज यूज फॉर फॉरकास्टिंग वेदर इंफॉर्मेशन इसका यूज हम आ, मौसम की आ, मौसम की सूचना को प्रकाशित करने में प्रस्तुत करने में हम इसका यूज करते हैं किसका फॉरकास्ट का ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल बताओ कौन कौन होता है तो आप बताना वर्ड पैड ठीक है फिर बताना पेंट फिर बताना कैलकुलेटर फिर बताना फोरकास्ट ये सभी जो है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो गए और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा विंडो लिनक्स विंडो सेवेन विंडो एट ओके इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे